across the length and breadth of the country, all the district magistrates. We are absolutely confident that say, silently we were working. सबने political parties के साथ में हर district में कम से कम एक दो तीन meetings की हैं, उनको सारे draft rules दिखाए हैं, दिखाने के बाद जितने objections हैं वो उनको पूरा किया है और उसके minutes बना के रखे हैं. Friends, we are very confident that and we are conscious that a very solid electoral roll is the foundation stone on any election and we are ready to go with this. We have also worked on the women voters. Women voters ka jo gender ratio hai wo badhke ab 948 ho gaya, which is again a very healthy sign of women participation increasing in our electoral cycle. राज्य देश के 12 राज्य ऐसे हैं जहां आज 1000 से ऊपर जेंडर रेशियो है, यानी महिला वोटर्स की संख्या मेल से ज्यादा है. और जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 1.89 नए वोटर्स हमने जुड़े हैं, उनमें से 18 से 19 में 85 लाख हमारी लड़कियां हैं, फीमेल वोटर्स हैं. सो दे आर गोइंग साइड बाई साइड एंड दिस इज अगेन अ वेरी हेल्दी साइन that women are also equally participating in our election. Aur jaise women participation hai, aise hi youth participation is another area which the commission is very conscious and commission is also consistently focusing on. 13 se jo 1.8 crore maine aapko bataya, 19 crore voters 20 se 19, aur jis kisi ki bhi umr 1st january 2024 को 18 साल नहीं हुई थी उसका भी नाम हमने एडवांस में एप्लीकेशन में लिया, जो 2024 के किसी भी समय में जिनकी उम्र 18 साल होने वाली है. एंड यू वुड बी हैप्पी टू नोट दैट आउट ऑफ 13.4 लाख एडवांस एप्लीकेशंस व्हिच हैव कम टू अस, अराउंड 5 to 6 lakhs आर सच हु विल कंप्लीट द एज ऑफ 18 बाई 1st of April 2024. और वो भी हमारे वोटर उस समय तक बन जाएंगे, यानी इट द रोल वुड बी एज मच अपडेटेड ऑन 1st of April की कोई भी छूटे नहीं. नेशनल आइकन्स को बड़ी संख्या में हमने यूथ को अपने साथ जोड़ने के लिए इस कार्य में लगाया है. हमें विश्वास है कि यूथ न सिर्फ वोट करेंगे बल्कि हमारे एम्बेसडर्स भी बनेंगे. जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो अपने साथ यूथ एक के साथ अपने 10 दोस्तों को भी लेके आएंगे. और इस बार हम कन्विंस्ड हैं अपने डिफरेंट आउटरीच एक्टिविटीज की वजह से कि वो हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे. फ्रेंड्स, जब हम वोटर्स को अपने बूथ पे बुला रहे हैं तो हमारी ये भी ड्यूटी बनती है कि हम अपने बूथ को बहुत अच्छे से उनके लिए तैयार करके रखें. कैसे तैयार करें? हर बूथ पे पीने का पानी होगा, टॉयलेट होगा मेल एंड फीमेल अलग, साइनेज होगा, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए रैंप होगा, एक व्हील चेयर होगी, हेल्प डेस्क होगी, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर होगा और शेड भी होगा, सफिशिएंट लाइट भी होगी. यानी मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज वुड बी अवेलेबल एट ऑल द पोलिंग स्टेशंस और दीज पोलिंग स्टेशंस विल बी सेटअप अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ. उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियां हों या दक्षिण में कन्याकुमारी का समुद्र तट, पश्चिम में राजस्थान के रेगिस्तान से लेके अरुणाचल के जंगल और मेघालय के वेटेस्ट रीजन, इलेक्शन कमीशन देश के हर कोने में प्रजातंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने पोलिंग स्टेशन, अपने पर्सनल को लेके जाएगा. एंड वी विल टेक डेमोक्रेसी टू एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री एंड वी आर श्योर दैट वी वुड मेक इट अ वेरी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस फॉर आर वोटर्स. एंड देन द वोटर्स डिलाइट, पोलिंग स्टेशन इस तरीके के मिलने चाहिए जिसमें ये सभी चीजें आपको मिलें. देन हाउ वुड बी एंश्योर दैट इट इज ऑल्सो इंक्लूसिव इन द सेंस 85 प्लस जितने वोटर्स हैं उनके हम घर जाके वोट लेने के लिए तैयार हैं. नॉमिनेशन से पहले सबके घर में हम फॉर्म 12D पहुंचाएंगे. देश के कुछ हिस्से में घर से वोटिंग हो चुकी है असेंबली इलेक्शंस में, कुछ राज्यों में अभी नहीं हुई है. अब इस बार पूरे देश में पहली बार ये व्यवस्था एक साथ लागू होगी
कि जो 85 वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं 40% से ज्यादा की जिनको डिसेबिलिटी है, वो सब के पास हम फॉर्म पहुंचाएंगे। अगर वो ये ऑप्ट करेंगे कि वो बूथ पर नहीं आना चाहते, घर से करना चाहते, तो हम घर में जाएंगे, एक आदमी का वोट लेने घर में जाएंगे। हालांकि हमारा तजुर्बा यह है कि ज्यादातर लोग उस एज के बूथ पर आना चाहते हैं, बिकॉज दे हैव कंसिस्टेंटली बीन पार्ट ऑफ आर डेमोक्रेसी। उनको वॉलंटियर्स और व्हीलचेयर की सुविधा वहां उपलब्ध रहेगी। नाउ जब ये बूथ बनाए तो हमने अपने पर्सनल को, जो टीम्स हैं, उनको बहुत अच्छे से ट्रेन करके तैयार किया है। दे आर सेंटिनल्स ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे जितने एम्प्लॉयज हैं वो सब तैयार रहेंगे इस बात के लिए कि दैट वेयर एवर इट टेक्स दे विल वॉक एन एक्स्ट्रा माइल सो दैट वोटर्स डोंट हैव टू माइल। पहाड़ के बर्फ में भी जाएंगे, जंगल में भी जाएंगे, नदी में भी जाएंगे, घोड़े पर भी जाएंगे, काठ के ब्रिज पर भी जाएंगे, हेलीकॉप्टर से भी जाएंगे, हाथी से भी जाएंगे, बर्फ में भी चलेंगे, म्यूल से भी जाएंगे। सिर्फ हर जगह पहुंचेंगे इसलिए ताकि वोटर अपना वोट दे सकें। मैं इसी 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 क्रम में आगे थोड़ी अर्बन एपैथी की भी बात करूंगा। हम इतनी जब मेहनत करते हैं जाने में, हम देखते हैं जहां घर के नीचे बूथ है वहां पे बहुत सारे लोग वोट देने नहीं आते। ये उनके लिए भी एक उदाहरण है कि वो ये समझें कि वोट देना कितना जरूरी है। अगर हम 10 लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए बूथ बना के इतनी मेहनत से जा सकते हैं, तो आप घर के नीचे उतर के जो 2 किलोमीटर के रेडियस में आपके पास बूथ है उसमें वोट देने जरूर आएं। फ्रेंड्स, वी आर ऑल्सो वेरी कॉन्शियस अबाउट द सस्टेनेबल इलेक्शंस एज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल इलेक्शंस हों, इसके लिए भी हमने डायरेक्शंस अपने इलेक्शन मशीनरी को दी है। वेस्ट मैनेजमेंट किसी भी पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग के बाद में दिखाई नहीं देना चाहिए। आप उसको कलेक्ट करें, डिस्पोजल करें और टीम्स के साथ में सेंड देम टू वेरियस डिस्पोजल थिंग। इट्स पार्ट ऑफ द मटेरियल अरेंजमेंट। मिनिमल यूज पेपर का करें। मैक्सिमम हमारी ई बुक्स लागू हैं, आप कभी भी हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट पर ई बुक है। मोर एंड मोर कार्बन फुटप्रिंट्स को हम कम से कम किस तरह से कर सकते हैं, रिसाइकलिंग, मोर एंड मोर लेस एंड लेस पेपर वर्क, ऑल दैट इज वॉट इज आर कमिटमेंट टू द एनवायरमेंट। वी आर ऑल्सो ग्रेटली लीवरेजिंग टेक्नोलॉजी इन 3 वर्टिकल्स फॉर द हेल्प ऑफ द वोटर, फॉर द हेल्प ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट एजेंसीज मशीनरी एंड ऑल्सो फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। कोई भी वोटर पूरे देश में उसका एपिक नंबर से बूथ कहाँ है, उसका एपिक डाउनलोड करना है, इफ ही हैज ए मोबाइल नंबर सीडेड ही कैन डाउनलोड हिज और हर मोबाइल। कोई भी बीएलओ के बारे में कोई जानकारी लेनी है, वन कैन गो टू द वोटर हेल्पलाइन एट। यू कैन नो अबाउट व्हाट काइंड ऑफ ए कैंडिडेट यू हैव इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी हु आर कंटेस्टिंग। सो देर इज एन एप्लीकेशन कॉल्ड नो योर कैंडिडेट। तो उस कैंडिडेट की कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, उसके खिलाफ में केसेस तो नहीं है, उनके क्या असेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं, ये सारी चीजें केवाईसी के एप्लीकेशन में वोटर्स को देखने का अधिकार है, उनको मिलेंगी। और जिस किसी का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है किसी भी कैंडिडेट का, उसको 3 बार न्यूज़पेपर्स में देना पड़ेगा, टीवी में देना पड़ेगा, और पॉलिटिकल पार्टी को भी ये बताना पड़ेगा कि आपको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्रिमिनल कैंडिडेट बैकग्राउंड के खड़ा करना पड़ा तो बाकी क्यों नहीं मिला। आप बताइए व्हाट इज द बेसिस ऑफ द सिलेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट हु हैज ए क्रिमिनल बैकग्राउंड। देन इन ऑर्डर टू क्लीन अप द एंटायर सिस्टम वी वॉन्ट टू यूज द टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ द सिटीजन्स। बी प्लीज विजिलेंट। सो सी विजिल ऐप में कोई भी शिकायत अगर किसी सिटीजन्स को, किसी वोटर को करनी है, कहीं पर भी कोई पैसा बांटने का केस है, फ्री भी बांटने का केस है, एक्सेस कैंपेनिंग का केस है, जस्ट टेक ए फोटो और टाइप टेक्स्ट, सेंड इट टू अस, वी विल कैप्चर योर लॉन्गिट्यूड एंड लेटिट्यूड आर सेल्स। आप कहां पर खड़े हैं ये हम अपने से आपकी मोबाइल की लोकेशन से समझ लेंगे और आपको 100 मिनट के अंदर अपनी टीम भेजकर जो आपकी
शिकायत है उसका निराकरण हम आपको करने देंगे। फ्रेंड्स, इस सारी चीज को करने में हमारे सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं। मैं आज आपके सामने उन चैलेंजेस की भी चर्चा करना चाहता हूं और ये भी बताना चाहता हूं कि इसको हम कैसे ठीक करेंगे। तो मेनली चार चैलेंजेस हमारे पास हैं, 4 M's, मसल, मनी, मिस इन्फॉर्मेशन एंड MCC वायोलेशंस। असेंशियली चार किस्म के ब्रॉड जो हमारे प्रोसेस हैं और इसी के संदर्भ में पूरा जो प्रोसेस अब आज से शुरू होगा और जब तक चुनाव खत्म होगा तो इलेक्शन कमीशन का अधिकांश समय इन्हीं चार चीजों में लगने वाला है कि हाउ टू कंट्रोल मसल पावर, हाउ टू कंट्रोल मनी पावर, हाउ टू कंट्रोल द मेनेस ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड हाउ टू कंट्रोल द वायोलेशंस विच आर डन और एलिस्ट टू बी डन अंडर MCC। सो कमिंग टू द मसल पावर को कंट्रोल करने के लिए एडिक्वेट नंबर ऑफ CAPF वुड बी डिप्लॉयड 24/7। एक नया प्रयोग हम इस बार कर रहे हैं, वी आर एस्टेब्लिशिंग, हम बिल्कुल डिटरमिंड हैं इस बार मसल पावर को कम करने के लिए। चुनावों में हिंसा का कोई स्थान होना नहीं चाहिए और ब्लड बाथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहां भी हिंसा बची है, चाहे वो प्री पोल हो, चाहे वो ड्यूरिंग कैंपेनिंग हो, चाहे वो पोस्ट पोल हो, वी आर कमिटेड टू काइंड ऑफ बी वेरी वेरी अलाइव टू दिस सिचुएशन और जो भी हमें सख्ती से करना होगा इसके लिए हम करेंगे ताकि ये प्रोविजन ना रहे। हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जो दिन उसमें 5 किस्म के फीड्स होंगे, TV, सोशल मीडिया, वेबकास्टिंग विच इज ऑन दी बूथ्स, 1950 की लाइन जिससे शिकायत आती है एंड ग्रीवेंसेस पोर्टल। सो 1 सीनियर ऑफिसर वुड बी अवेलेबल इन द कंट्रोल रूम्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट टू लुक एट दीज 5 फीट्स। जहां से भी और सी विजिल जहां से भी कोई शिकायत मिलेगी उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी एवरीवेयर अक्रॉस द कंट्री। हमने बड़ी सख्त ताकीद दी है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स SSPs अपने एरिया में हिंसा को ना होने दें। जितने नॉन अवेलेबल वारंट्स आज की डेट में हैं, पुलिस उनको ऑलरेडी हमारे विजिट्स के साथ साथ ऑलमोस्ट एग्जीक्यूट कर रही है। साथ ही जितने हिस्ट्री शीटर्स हैं उनको भी बहुत तेजी से देख रही है। देर इज ऑल्सो ए नेटवर्क ऑफ चेक पोस्ट विच हैव बीन सेटअप इन द इंटरनेशनल बॉर्डर, इन द इंटर स्टेट बॉर्डर एंड ऑन द नोड्स फ्रॉम वेयर सम काइंड ऑफ इरेगुलर इलीगल गुड्स कैन मूव अक्रॉस द स्टेट्स। इन सम इंटरनेशनल बॉर्डर्स देर इज ऑल्सो ए ड्रोन बेस्ड चेकिंग विच विल हैपन। वी आर फुल्ली कमिटेड दैट हिंसा का कहीं कोई उपयोग नहीं होना चाहिए। हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को बहुत सख्त हिदायत दी है कि जितने लोग 3 साल से ऊपर हैं उन सबको आप बदल दीजिए पहले, और अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट नॉट बिलो। ये उनका काम है कि जो नीचे हैं वो उनको देखें। किसी भी प्रोसेस में वॉलंटियर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ किसी भी स्टेट ने लगाए वो इस्तेमाल नहीं होंगे। बहुत सारी स्टेट्स ने टेम्परेरी वॉलंटियर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को लगा के रखा है, वो किसी भी स्टेज में इस्तेमाल नहीं होंगे। डबल वोटिंग इम्परसोनेशन की भी शिकायत आती है, बहुत सख्त हिदायत दी गई है कि अगर इम्परसोनेशन के केसेस आए तो RP एक्ट की सेक्शन में उनके खिलाफ एक्शन लें। साथियों, बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ हम हिंसा मुक्त चुनाव देना चाहते हैं। चुनाव में हिंसा की कतई गुंजाइश नहीं है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने कहा था, मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। ओनली पीस इज एवर लास्टिंग, वायलेंस डजंट सॉल्व एनीथिंग। वी विल रिक्वेस्ट एवरीवन, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल कैंडिडेट्स, दैट दे मस्ट बी वेरी very very cautious of this point. We'll be ruthless if anywhere the violence happens. Vyond is now available in your country. Download the app now and get all the news on the move.